क्या आप चाहेंगे कि आपके ज्वेलरी ब्रांड को देख के ऑडियंस ये बोले, ओह और एक ज्वेलरी ब्रांड, ये तो वैसे ही आ गए मुंह उठा के? जी नहीं ना। तो अगर आप चाहते कि आपकी ज्वेलरी ब्रांड रचनात्मक दिखे, क्रिएटिव दिखे और बाकी ब्रांड से स्टैंड आउट करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस वीडियो टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन इंक्रीज योर ज्वेलरी सेल्स बाय 10% सिंपली बाय गिविंग योर प्रोडक्ट्स अ क्रिएटिव नेम। अब आप मुझे बोलेंगे, गौरव 10% तो बहुत कम होता है। तो अगर आप बैंक में भी अगर एक साल के लिए FD करते हैं 1 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 6% रिटर्न्स पर एनम, तो आपको एक साल में मिलेंगे 6,000 रुपये, यानी कि आपकी जो मासिक आय है वो हो जाएगी 500 रुपये। पर वही अगर आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको मिलेंगे 6 लाख रुपये, यानी कि आपकी जो मासिक आय है वो जाएगी 50,000 रुपये। तो कहाँ 500 और कहाँ 50,000, परसेंटेज वही है बट प्रिंसिपल चेंज करने से इतना अंतर। तो परसेंटेज को आप छोटा मत समझिए। और अगर उसी प्रकार से आप ज्वेलरी कॉमर्स कर रही हैं और अगर एक ऑडियंस पे लेट से आप 20 कस्टमर बना रही हैं, तो 10% बढ़ोतरी के बाद आप बना पाएंगे 22 कस्टमर। तो वही अगर आप बड़ी गेम खेल रहे हैं और अगर आप 1,000 कस्टमर बना रहे हैं एक ऑडियंस पे, सो विथ माई टेक्निक अगर 10% की आपको बढ़ोतरी मिलती है, तो आप बना पाएंगे 1,100 कस्टमर। तो इतना अंतर है इस स्ट्रैटेजी से। तो अगर आपको छोटी मोटी गेम खेलनी है, तो फिर ये वीडियो आप अभी बंद कर दीजिए। आपके चुन्नू मुन्नू मार्केटर्स से आपका काम चल जाएगा। बात तो सही है। अगर बड़ी गेम खेलनी है तो ही इस वीडियो को आप आगे देखिए। तो चलिए देखते हैं पहले डिजाइन को, क्या दिख रहा है आपको और इसे क्या नाम देंगे आप? आपको एक बर्ड दिख रहा होगा और आपको विंग्स दिख रहे हैं, आपको हार्ट भी दिख रहा है, तो मुझे पता है आप क्या नाम देंगे। आप बोलते विंग्स ऑफ हार्ट या फिर आप बोलते फ्लाइंग बर्ड। बट अगर मुझे इसे कोई इंटरेस्टिंग नाम देना है, तो मैं इसे नाम दूंगा बर्डिंग। जी हाँ, बर्डिंग का मतलब होता है नेचर में जाके पक्षियों को ऑब्जर्व करना। और आजकल इंस्टाग्राम पे जिस हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है, फिर तो ये नाम काफ़ी अच्छा होगा। अब सेकेंड नाम जो मैं दे सकता हूँ उसे, वो है टीचर ऑफ नेचर और नेचर टीचर। देखिए, पंछी नेचर के वो प्राणी हैं जो हमें कितना कुछ सिखाते हैं। पंछी आसमान में उड़ने से पहले सिखाते हैं कि खुद पर हमें भरोसा रखना चाहिए। जीवन में हम जब भी कोई ऊंची उड़ान भरते हैं, तो हमें उसी प्रकार अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। और देखिए, आखिरकार सभी पंछियों को अपना घोंसला छोड़कर वो बन जाना होता है जो जिस चीज़ के लिए वो बने हैं। इसीलिए डरिए मत और फड़फड़ाइए। इवेंचुअली ऑल बर्ड्स मस्ट लीव द सेफ्टी ऑफ द नेस्ट एंड सिंपली बिकम व्हाट दे आर मेंट टू बी। सो हैव नो फियर ऑफ फेलिंग एंड स्टार्ट फ्लैपिंग। अब अगला नाम जो मैं देने वाला हूँ, वो है आई एम अ फ्री बर्ड। देखिए, वर्तमान वास्तविकता, इसे आप स्वीकार करें या ना करें, आज की जो महिलाएं हैं वो शादी होने तक पूरी तरीके से अपने परिवार पर या फिर पार्शली अपने परिवार, अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, और शादी के बाद भी हाल कुछ वैसा ही होता है। तो कहाँ है उनका जीवन, कहाँ है उनका फ्रीडम? तो विद दिस नेम आई एम अ फ्री बर्ड, आपकी ज्वेलरी ब्रांड ये एक संदेश दे रही है कि आज की महिलाएं भी आज़ाद पंछी की तरह, उनके पास उड़ने का एक अधिकार है। और आज भी कई जगह पर हमारे समाज ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है जिसने महिलाओं की आवाज़ को प्रतिबंधित कर दिया है। स्टिल टुडे एट मेनी प्लेसेस द सोसाइटी हैज़ बिल्ट सच अ स्ट्रॉन्ग वॉल दैट इट्स रेस्ट्रिक्टिंग देयर इनर वॉइस। बट विद दिस नेम आई एम अ फ्री बर्ड, योर ज्वेलरी ब्रांड इज डिलीवरिंग अ strong message that today's women have an inner voice which tells them to be independent, to follow their dreams, their passion, their culture and their upbringing. Ab aur bhi aap kuch creative name de sakte hain, like nature based traveler, wildlife traveler, close to nature, eco tourist. Ab dekhiye, eco ka matlab hota hai paryavaran. To eco tourist kitna pyara naam hai, kitna creative naam hai, aur This name will connect so deeply with your audience. और हमने जो पहले बात की अभी about women and their independence, you can also name this pendant as escape from modern society. चलिए बढ़ते हैं अब अगले pendant की ओर,
बताइए मुझे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, मुझे पता है आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक हार्ट, आपको दिख रहे हैं तीन डायमंड्स, तो आप नाम देते हैं इसको थ्री स्टोन हार्ट। देखिए ये जो आपके चुंदू मुंदू मार्केटर्स है ना, ये उनका काम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर मुझे इसे नाम देना हो तो मैं इसे नाम दूंगा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसकी वजह ये दैट द फर्स्ट डायमंड रिप्रेजेंट्स द कपल्स पास्ट, व्हेन एंड हाउ दे मेट एंड देयर शेयर्ड मेमोरीज, एंड द सेंटर स्टोन रिप्रेजेंट्स देयर कपल्स प्रेजेंट, उनके वर्तमान का प्रतीक, एंड द थर्ड डायमंड रिमाइंड्स द कपल ऑफ द फ्यूचर एंड द मेनी माइलस्टोन्स दैट आर स्टिल येट टू कम। अब आप इसमें और भी क्रिएटिव नेम्स दे सकते हैं, मैं दूंगा और एक नाम, फ्रेंडशिप लव एंड फिडेलिटी, रिस्पेक्ट ट्रस्ट एंड अफेक्शन। जस्ट बिकॉज इसमें तीन डायमंड्स हैं सो यू नीड टू बिल्ड अ स्टोरी अराउंड दिस डिज़ाइन। अब मैं आपको दूंगा इसमें एक बोनस टिप कि कैसे से मार्केटिंग करनी है। यू कैन सिंपली यूज दिस डिज़ाइन इन फेसबुक एड्स एंड टारगेट दोज वुमेन हु आर एंगेज्ड और मैरिड, बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू बाय। एंड पॉसिबल है कि ये सभी लड़कियां अपने हस्बैंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, आई मीन इट्स हर चॉइस, सॉरी, अपने हस्बैंड एंड बॉयफ्रेंड को टैग करें, एंड उसी के साथ साथ आप मेन को भी टारगेट कर सकते हैं। जी हाँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये डिज़ाइन अगर फीमेल पहनती है तो आप सिर्फ फीमेल को टारगेट करें, यू कैन ऑल्सो टारगेट मैन, एंड आई एम श्योर यू कैन टारगेट दोज मैन हु आर एंगेज्ड एंड मैरिड एंड दे विल डेफिनेटली बाई दिस फॉर देयर वाइफ्स एंड देयर गर्लफ्रेंड्स। और आईजी पर तो एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे कपल्स अपने पास्ट और प्रेजेंट को रील्स पे दिखा रहे हैं, सो विद दिस डिज़ाइन एंड दिस क्रिएटिव नेम वैलेंटाइन सीजन पे आपकी ज्वेलरी ब्रांड एक बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर सकती है। चलिए देखते हैं अब अगले डिज़ाइन को, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? मुझे पता है आपको क्या दिख रहा है इसमें, आपको दिख रही है वेविनेस, आपको सांप भी दिख रहा है क्या? मुझे पता है आप क्या नाम देते हैं इसे, आप बोलते हैं इसे वेवी हार्ट या फिर स्नेकी हार्ट या फिर इंटरट्विंड हार्ट, राइट? बट अगर मुझे इसे नाम देना होता, बिकॉज इन नामों में बिल्कुल भी जान नहीं है, इमोशन नहीं है, इफ आई हैव टू गिव अ वेरी क्रिएटिव एंड इमोशनल नेम, आई विल नेम दिस पेंडेंट एज एंटैंगल्ड हैंड एंड स्किन। जी हाँ, जिस तरह इस डिज़ाइन में वो जो मेटल की पॉलिश पाथ डायमंड की लाइन में एंटैंगल्ड हो चुकी है, इवन सिमिलरली व्हेन कपल्स गो आउट दे आर सो मच एंटैंगल्ड इनटू ईच अदर एंड दे शो सो मच ऑफ लव वेयर एवर दे गो। और इसी बात पे मुझे एक शायरी भी याद आ रही है, तेरी होठों पे पिघलना है मुझे, तेरी आंखों में संभलना है मुझे, एक मुद्दत से सबर में बैठा हूँ मैं, अब तेरी बाहों में मचलना है मुझे। तो मचलना है आपको उनकी बाहों में, यू वॉन्ट टू गेट एंटैंगल्ड विथ हिम और विथ हर, दैट्स वाई द नेम एंटैंगल्ड हैंड एंड स्किन। अब और भी अगर आपको क्रिएटिव नेम्स देने हैं तो यू कैन नेम एज एंटैंगल्ड सोल्स, इनसेपरेबल लाइव्स, टू एंटैंगल्ड सोल्स। और अगर आपको एक बहुत ही अच्छा कैप्शन देना है इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग किसी भी कैप्शन लिखते हैं, चुंदू मुंदू मार्केटर्स, अगर मुझे कैप्शन लिखना हो तो आई विल नेम द कैप्शन एज आई फील सो एंटैंगल्ड इन लव विथ यू दैट द डिस्टेंस डजेंट मैटर एनी मोर, एंड एज वी हैव स्टडीड इन क्वांटम फिजिक्स दैट सेपरेशन इज जस्ट एन इल्यूजन, आई डू नॉट नीड एनी प्रूफ दैट यू आर हियर। एंटैंगल्ड लव पे तो एक पूरी कलेक्शन बन सकती है। देखिए, मैं कोई पीढ़ी हेड नहीं हूँ, ना हूँ मैं कोई मर्चेंडाइजर, मेरे पास एक क्रिएटिव दिमाग। तो अगर आपको एंटैंगल्ड लव पे एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट चाहिए, और सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आपको एक अच्छी ब्रांडिंग भी हासिल करनी है, तो लेट मी नो, आई विल डेवलप एंड क्रिएट एंड कंसेप्चुलाइज अ कलेक्शन नेम एंटैंगल्ड लव, एंड आई विल मेक श्योर दैट योर ज्वेलरी ब्रांड स्टैंड्स आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट डिज़ाइन, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? आपको हार्ट शेप दिख रहा है, बहुत सारे वायर दिख रहे हैं, फ्लावर भी दिख रहा है आपको। मुझे पता है आप इसे क्या नाम देते हैं, आप उसे बोलते हैं वायर्ड लव, वायर्ड हार्ट, हार्ट नेस्ट, फ्लावर हार्ट,
इन नामों में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना आप ही मुझे बताइए इस डिज़ाइन का क्या नाम हो सकता है। अगर नाम मुझे अच्छा लगा तो हमने जो वैलेंटाइन कलेक्शन बनाई है इन US एक्सपेंशन बैच 18 जो ऑलरेडी एक स्पेशल डिस्काउंट पर अवेलेबल है, मैं आपको उसमें और डिस्काउंट दूंगा। अगर मुझे इसे नाम देना होता अ वेरी क्रिएटिव नेम तो मैं नाम देता इसे, देखिए व्हेन यू सी द डिज़ाइन इट लुक्स वेरी मेसी इजंट इट, सो आई विल गिव दिस डिज़ाइन द नेम माई मेसी हार्ट नेवर गिव्स अप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एंड इफ आई वॉन्ट टू एड मोर इमोशन देन आई विल नेम दिस एज नॉट अ परफेक्ट हार्ट। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट डिज़ाइन में। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? आपको दो हार्ट दिख रहे हैं, आपको चाबी वाली फीलिंग शायद यहाँ पे आ रही होगी। तो मुझे पता है आपके चुन्नू मुन्नू मार्केटर्स इसे क्या नाम देते, की ऑफ लव, टू हार्ट्स। आर यू कॉमेडी मी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, योर प्रोडक्ट नेम इज द फर्स्ट थिंग दैट द कस्टमर इज गोइंग टू सी ओवर एनीथिंग एल्स। दैट मीन्स इट शुड डेफिनेटली वाव द ऑडियंस, इट नीड्स टू बी डिजायरेबल। सो हाउ डू यू मेक दिस डिजायरेबल व्हेन यू गिव अ नेम विच हैज अ लॉट ऑफ इमोशन इन इट। सो अगर मुझे इसमें इमोशन डालना हो तो मैं इसे नाम दूंगा सिक्योर्ड लव। बिकॉज देखिए, जस्ट बिकॉज इसमें चाबी है, यू वॉन्ट नेम इट एज की और चाबी। चाबी ताले का फंक्शन क्या है? टू कीप इट सेफ, टू कीप इट सिक्योर्ड। दैट्स वाई आई विल नेम दिस एज सिक्योर्ड लव। आई कैन ऑल्सो नेम द डिजाइन एज लास्टिंग लव, मे बी स्टैंड फॉर एवर, एंड हाउ अबाउट सील्ड फॉर एवर। एंड माई फेवरेट नेम दैट आई हैव थॉट फॉर दिस डिजाइन इज स्टक फर्मली इन माई हार्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन को, क्या दिख रहा है आपको इसमें? एक एस शेप दिख रहा है, हार्ट भी दिख रहा है, और अगर आपको दिख रहा है कि ये म्यूज़िक सिंबल है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके जीवन में गोल्ड और हीरे के अलावा आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको जीके के बारे में थोड़ा बहुत पता है, सो दैट्स गुड। तो मुझे पता है इसे क्या नाम देते आप बोलते म्यूज़िकल हार्ट, म्यूज़िक लवर। अब देखिए, ये कितने घिसे पिटे कॉमन नेम्स हैं, हमें कॉमन नेम नहीं देने हैं, वी हैव टू इंक्रीज द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप जब किसी बार में जाते हैं एंड व्हेन यू ड्रिंक मॉकटेल, तो मेन्यू में जो कॉकटेल मॉकटेल है, कितना क्रिएटिव नाम देते हैं वो लोग, सेक्स इन द बीच, डू यू रियली गो एंड हैव सेक्स ऑन द बीच आफ्टर हैविंग दैट मॉकटेल? यू डोंट। बट दैट नेम increases the desirability of that product. उसी प्रकार से some people give their mocktail names as pink cat. I cannot say that word. But आपको समझ में आ गया होगा, right? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अगर मुझे ऐसे कोई creative name देना है तो मैं इसे देता maestro. देखिए, maestro का मतलब होता है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, a distinguished personality, especially in the field of music. So when you name maestro, your jewelry brand will not just look cool but trendy as well. And with today's generation, they love brands who are trendy and cool. Agla naam I will give this pendant as melodist. Who's a melodist? A melodist is the one who composes melodies. You can also name this as songsmith. Songsmith is a very trendy and cool name. And songsmith is the one who composes or writes a song. You can also name this pendant as tunesmith. Tunesmith is someone who composes tunes. अब देखते हैं अगली डिजाइन। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मुझे पता है क्या दिख रहा है आपको, पत्तियां दिख रही है ना, पत्तियां। आपको एक हार्ट भी दिख रहा है, बट मुझे कुछ और दिख रहा है। So if I have to give this pendant a very creative name, I will give this name as deepest need, which is love. This heart looks like a root. ये मुझे एक पौधे की जड़ की तरह दिख रहा है, तो that's why and पौधा का जो जड़ होता है वो deep स्थित होता है, तो that's why deepest. That's why the name deepest need. I can also name this pendant as grow in love. Can you see a plant that is growing from heart? That's why I will name this as grow in love.
यू कैन ऑल्सो नेम दिस पेंडेंट एज ग्राउंडेड इन लव, सोक्ड इन लव, एंड यू कैन ऑल्सो नेम दिस पेंडेंट एज सीड ऑफ लव। अब देखते हैं हमारी आखिरी डिजाइन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। आप बोलेंगे गौरवी कैसे डिजाइन है, इतना यू टर्न है डिजाइन में। आई होप यू योर चुन्नू मुन्नू मार्केटिंग टीम विल नॉट नेम दिस एज यू टर्न हार्ट पेंडेंट, उल्टा पड़ेगा आपको। अगर मुझे इसे एक क्रिएटिव नाम देना है, एक इमोशनल एंगल ऐड करना है, देन आई विल नेम दिस पेंडेंट एज हेयर पिंड हार्ट। जब आप अलग अलग घाट में जाते हैं, कैसे आपको वो एक रस्ते इट लुक्स लाइक अ हेयर पिन, वेरी स्टीप कर्व, दैट्स व्हाई आई विल नेम दिस पेंडेंट एज हेयर पिंड हार्ट। और अगर इसे और भी स्पेशल नाम देना है तो आप दे सकते हैं अ ट्रिप दैट रिक्वायर्स स्पेशल परमिट, अ ट्रिप टू माई हार्ट दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल परमिट। कितना ब्यूटिफुल है, अगर आपको मेरे दिल तक पहुँचना है तो आपको एक खास रास्ते से गुजर कर मेरे पास आना होगा, इट विल रिक्वायर अ स्पेशल परमिट। तो अगर आपको ये क्रिएटिव नेम्स अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। देखिए जब आप ऐसे जो भी प्रोडक्ट को क्रिएटिव नेम देते हैं तो कस्टमर की जो नीड है और उसकी जो लेने की चाहत है, आप उसकी दूरी को छोटा कर रहे हैं। एंड विथ सच क्रिएटिव नेम्स यू आर ओनली मेकिंग द कस्टमर और द कंज्यूमर फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट। एंड व्हेन यू मेक अ पर्सन फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट, यू नो व्हाट हैपेंस, दैट पर्सन वांट्स टू ओन दैट प्रोडक्ट। वो कहते हैं ना कि पसंद की कीमत नहीं होती है। अगर आप किसी ऐसे ज्वेलर को जानते हैं जो ई कॉमर्स कर रहे हैं या ई कॉमर्स करना चाहते हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके ज्वेलरी कलेक्शन के लिए ऐसे क्रिएटिव नाम तैयार करूँ जिसमें बहुत सारा इमोशन जुड़ा हो, तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी अगले वीडियो में, आपका सारथी गौरव सिंह, धन्यवाद।